ये है ओल्ड टाउन की सेलिब्रिटी कैट, 17 साल की है और बड़ी प्यारी है। तो इस टाउन में जितने भी लोग आते हैं इसको प्यार करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हूँ अभी क्रोशिया में, क्रोशिया के एक सिटी में दुब्रोवनिक, जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीज़न 1 से लेकर सीज़न 8 तक की सारी शूटिंग, सारी फिल्मिंग यहाँ पर हुई है, इस ओल्ड टाउन में हुई है दुब्रोवनिक के। तो अभी हम खड़े हैं किंग्स लैंडिंग में। तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पता होगा, ये है गेम ऑफ थ्रोन का किंग्स लैंडिंग का एंट्री। आज मैं आपको यहाँ के सारे लोकेशन पर ले जाने वाला हूँ जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई थी, और जो मेन लोकेशन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सारी शूटिंग हुई है। सारे लोकेशन पे अगर मैं आपको ले जाऊँगा तो शायद मेरे पता नहीं कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं इस ओल्ड टाउन की गलियों से। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है ओल्ड टाउन के घर, और नीचे यहाँ पे शॉप्स है जो कि अभी बंद है। अभी बज रहे सुबह के 8, काफ़ी जल्दी आ गए हम इस ओल्ड टाउन में। रास्ते में मुझे यहाँ पे मिला है मार्केट, जो बाज़ार बोलते हैं हम, और यहाँ पे लोग सब्जियाँ वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, काफ़ी ताज़ा है, ये इनके घर में ही इन्होंने उगाए हैं, और यहाँ पर इन्होंने बेचने के लिए लाए हैं। तो ये एकदम फ्रेश है, ऑर्गेनिक है। यहाँ पर अंकल अपने घर के एप्पल और आलू बेच रहे हैं। आलू एप्पल है 10 गुना पर केजी। आलू ले लो, कांदे। और यहाँ पर भी आंटी प्याज वगैरह बेच रही है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो ऑलिव ऑयल्स एंड ऑल। तो बढ़िया है यहाँ पर मार्केट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि ओल्ड टाउन की जो पॉपुलेशन है वही कम है। मेरे गांव में जो मार्केट लगता था ना, वो पूछो मत आप, एक बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड जो होता है ना, वो भर के मार्केट लगता था। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हमारे पहले लोकेशन पे, जो कि आपने देखा होगा, और वो लोकेशन काफ़ी, वो जो सीन है वो काफ़ी फेमस है सर्सी लैनिस्टर का। A sinner comes before you. Cersei, widow of his grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. तो सीज़न 5 और एपिसोड 10 में आपने देखा होगा कि सर्सी लैनिस्टर को एक चर्च के बाहर स्ट्रिप डाउन करते हैं, नेकेड उसको खड़ा करते हैं, और उसको टाउन के अंदर से उसको नेकेड वॉक करने बोलते हैं, और बेल बजाते हैं, और बेल के साथ में लोग उस पर कुछ अंडे वगैरह फेंकते हैं और बोलते हैं कि शेम शेम शेम। तो वो सबसे फेमस सीन था गेम ऑफ थ्रोन का, और वो शूट हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर खड़ी थी सर्सी लैनिस्टर, और काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े थे जो टाउन के लोग थे। अभी तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और यहाँ से सर्सी लैनिस्टर चलते हुए जाती है नेकेड, और पूरे टाउन में नेकेड घूमती है, और लोग शेम शेम चिल्लाते हैं। शेम शेम शेम। आपको मुझे इसकी एक हिस्ट्री बतानी थोड़ी सी। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, दोनों साइड में यहाँ पर घर है और इनके विंडोज़ भी है। तो आप बोलोगे कि जब ये शूटिंग हो रही होंगी तो ये लोगों ने तो खिड़कियाँ खोल के शूटिंग देखी होगी, बट ऐसा नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन के प्रोड्यूसर ने यहाँ के हर घर में हर विंडो को पर डे चार्ज किया था, वो भी इतना ज़्यादा चार्ज किया था। ये शेर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और उनको बोला था कि तुम यहाँ पर खिड़कियाँ मत खोलना, बाहर मत आना, और जितने भी टाउन के लोग हैं यहाँ पर सबको पैसे पे किए थे उन्होंने, रेस्टोरेंट्स को, घर वालों को, कि आपको बाहर नहीं आना है। तो यहाँ के जो लोकल पीपल है वहाँ पर ये जो सीन इतना फेमस हो गया ना, तो कभी कभी यहाँ के लोग छुट्टी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, और कोई एक होता है जो यहाँ पे सर्सी लैनिस्टर बनता है और नेकेड यहाँ से वॉक करता है, लोग फिर शेम 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 चिल्लाते हैं, यानी वो सीन वो रिक्रिएट करते हैं, और यहाँ की जो लोकल पुलिस है फिर उनको पकड़ती है और उन पर चार्ज वगैरह लगाती है, और ये भाग जाते हैं वहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे सेकंड लोकेशन पर, और जो सेकंड लोकेशन है उसके लिए हमें बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना है दोस्तों, ये देख लो आप, ऊपर तक जाना है। तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं, तो आप
अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना। और यहाँ पर लोगों के घर भी है, लोगों की खिड़कियाँ, घर तो यहाँ पे लोगों के बड़े सही है, सारे पत्थर के बने हुए हैं और सबके घर यहाँ पर सेम है। मैंने आपको भी बता नहीं पाऊँगी कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो अभी हम आ गए ऊपर और ये टाउन का एंड है, टॉप पर आ गए हम। और ये जो वॉल देख रहे हो आप, ये इस टाउन का एंड है और उसके बगल में ही है एड्रियाटिक ओशन। सांस फूल के मेरी चढ़ के, ये पैर ही नहीं उठ रहे। कोई बात नहीं, और मजा आएगा। और लोग शायद इसके इस वॉल के ऊपर अभी वॉक कर रहे हैं, हम भी जाएंगे थोड़ी देर बाद इस वॉल के ऊपर। आप देख रहे हो ये नीचे कितना बड़ा टाउन है। और ये यहाँ पर है लोकल लोगों के घर। यहाँ पर टिकट है क्या इसके अंदर जाने का? गड़बड़ हो गई अभी। ये जो सेकंड लोकेशन है वो जो वॉल है ना उसी से कनेक्टेड है, तो अभी हमें नीचे जाना है वापस। और जो वॉल है जिस पे अभी हम चढ़ने वाले हैं वो नीचे से टिकट बाय करना है, और उस वॉल पे जब चढ़ेंगे तब हम उस सेकंड लोकेशन पे आएंगे। तो अभी जाते हैं वापस नीचे। अभी हम नीचे वॉक कर रहे हैं और अभी हम दूसरे गली से नीचे जा रहे हैं। और इस तरीके से लोग यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं। और ये छोटी सी गली है नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे लोगों ने गार्डन लगा के रखे हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे। और हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, तो जो हमारा पहला लोकेशन था जहाँ पे वो शेम शेम वाला शूट हुआ था, वहीं पर टाइविन लैनिस्टर जब उसकी डेथ होती है, जो सर्सी लैनिस्टर का फादर होता है, उसकी फ्यूनरल का जो फंक्शन होता है वो वहीं पर उसी स्टेयर्स पर होता है। Honored by your presence. The mourners are waiting. They will keep waiting. They want a moment alone with him. तो अभी यहाँ पे मैराथन हो रहा है, बहुत भीड़ लगी हुई यहाँ पर। तो अभी हम सेकंड लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पर। आपको बताता हूँ मैं, जो आर्या स्टार्क है सीजन 8 में और एपिसोड 5 में आई थी, एंटर करती है किंग्स लैंडिंग में हुड के साथ, अनडिटेक्टेड। हुड नहीं, हाउंड के साथ। जो अगला लोकेशन है सीजन 8 और एपिसोड 5 में, जब जो डैनरिस आती है और किंग्स लैंडिंग को अपने जो ड्रैगन्स होते हैं उससे वो पूरा जला देती है, तो लैनिस्टर जब वो बेल बजाती है सरेंडर करने के लिए, पर वो सुनती नहीं है, उसमें जो गुस्सा भरा पड़ा होता है वो निकालती है इस किंग्स लैंडिंग पे। तो जो ओल्ड टाउन है यहाँ पर उसका शूटिंग हुआ था, इसको उन्होंने बर्न किया। ये हमारा अगला लोकेशन है जहाँ पर सीज़न या एपिसोड मुझे पता नहीं है, बट जो लोकल पीपल होते हैं यहाँ के वो यहाँ पे जमा होते हैं और वो डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे इतने सारे लोकेशन है ना, जगह जगह पे आप नज़र घुमा लो यहाँ पे, आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने इस सीज़न में देखा है, ये एपिसोड में देखा है। तो मैं तो अभी ये जगह देख देख के याद करने कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ था, इतना बैड लग गया हमारा। अभी हम ये जो वॉल है इसका एंट्रेंस पे आए थे, हमें यहाँ पे टिकट बाय करके ऊपर जाना था। तो यूजुअली इसका टाइम होता है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, वहाँ मैराथन चल रहा है, और आज इन्होंने 12 बजे से उसका एंट्री रखा है, 12 से 6:30। और 12 बजे मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, मेरा फ्लाइट है 3 बजे। तो अभी हम वॉल के ऊपर नहीं जा सकते दोस्तों। तो ये जो आप एंट्री देख रहे हो, ये एक एंट्री है इस ओल्ड टाउन में, और ये छोटा सा ब्रिज है यहाँ पर। तो हर सीज़न में आपने देखा होगा आर्मी टाउन में आती है, बाहर जाती है। अभी हम वॉल पे तो जा नहीं सकते, बट अभी मैं आपको थोड़ा दूर से बताता हूँ। वो जो आप आगे देख रहे हो एक फोर्ट है, ये वाला, यहाँ पर हुआ था जेफरी का नेम डे।
तो जब जेफरी किंग बनता है, जो कि बड़ा बदमाश है, मुझे तो बिल्कुल वो कैरेक्टर पसंद नहीं है। The Wren of House Holland. Sir Dontos, the Wren of House Holland. और आपने सीजन टू और एपिसोड 8 में शायद आपने देखा होगा कि किंग्स लैंडिंग पे अटैक होता है और जो हमारा डॉर्फ, क्या नाम है उसका, टायरसिन, वो एक और एक टकला कैरेक्टर होता है, वो दोनों डिफेंड करने में लगे होते हैं किंग्स लैंडिंग को। और दोनों ओशन के पास, जो आप देख रहे हो एड्रेटिक ओशन, यहाँ पर देख के वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे डिफेंड करना है। तो वो भी वो दोनों जो आप देख रहे हो, ये जो वॉल है, कहीं कहीं वो खड़े रह के प्लानिंग करते हैं डिफेंड करने की। The drains and cisterns in Casterly Rock. A most high-born plumber. The water never flowed better. And all the shit found expected to have any real power. So when my father named me acting hand. और एक सीन आपको याद आ रहा होगा जिसमें जो किंग टॉमिन होता है, जो कि बड़ा प्यारा कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन का, और उसकी जो मदर होती है सर्सी, वो वॉल पे वॉक कर रहे होते हैं और कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो वॉल है जिसपे वो चल रहे होते हैं, वो यही, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो है सीजन 8 और एपिसोड 1 का लोकेशन, जहाँ पर सर्सी लैनिस्टर और क्वीबन वो दोनों खड़े होते हैं और क्वीबन उसको बोलता है कि जो वाइट वॉकर है उन्होंने वॉल ब्रेक करके वो अंदर आ गए हैं। और हमारी जो सर्सी होती है वो बोलती है कि गुड बोल के वो रेड कीप में चले जाती है। तो ये है वो व्यू जहाँ पर वो खड़े रह के। Your Grace, I'm afraid I bring terrible news. The dead have broken through the wall. Good. तो यहाँ पर ये आ रही है आर्मी होल टाउन के अंदर। थोड़ा दूर से जाओ, बड़ा ही छोटा ये गेट है अंदर आने के लिए। गेम ऑफ थ्रोन में तो यहाँ से आर्मी आई थी और यहाँ पे अभी गाड़ियाँ जा रही है अंदर। और वैसे देखा जाए तो गाड़ियों को अलाउ नहीं है ओल्ड टाउन में आने के लिए, क्यों आ रही पता नहीं। तो इस गेट के बाहर अगर आप जा रहे हो तो आप ओल्ड टाउन का हिस्सा नहीं हो। तो जैसे कि अभी मैं इस गेट के बाहर आ गया, तो ये आई थिंक इसको न्यू टाउन बोल सकते हो आप। और यहाँ से अगर आप अंदर जा रहे हो तो आप ओल्ड टाउन के अंदर जा रहे हो। तो पहले ओल्ड टाउन में ऐसा होता था कि ये इसके स्पेसिफिक टाइम हुआ करता था कि ये सुबह से शाम तक ही खुला रहता था, बाद में ये टाउन बंद रहता था क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्पाई वगैरह, चोर वगैरह अंदर घुसते थे इस टाउन के अंदर, तो ये बंद करके रखते थे। बट अभी ये टाउन 24 घंटे खुला रहता है। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी भीड़ हो गई है, थोड़ा आगे जाके आपको बताता हूँ मैं। तो इस लोकेशन पे यहाँ पर आप देख रहे हो इस साइड में सीज़न आई थिंक सेकंड में और एपिसोड 5 या 6 में, यहाँ पर जो किंग जर्फी होता है वो ऑर्डर देता है कि जो क्राउड है उसको वो मारे। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है। हम यहाँ पे टाउन के अंदर 8 साढ़े 8 बजे घुस गए थे, तब इतनी भीड़ नहीं थी, बट अभी बहुत लोग अभी अंदर आ गए इस टाउन के अंदर, और ऊपर से मैराथन है तो और ज़्यादा भीड़ है अभी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो गेम ऑफ थ्रोन का ऑफिशियल लाइसेंस सुवेनियर लाइसेंस शॉप ही है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं इसके क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो सारे कैरेक्टर के, तो कप है, ये है डैनरिस, ये है आर्या स्टार्क, वाइट वॉकर देख लो कितना भयंकर है, ग्लासेस वाइन और बियर के ग्लासेस बड़े सही है। यहाँ पर वाइट वॉकर की टी शर्ट लगी हुई, और कल हमने यहाँ से कायाकिंग किया था और हम गए थे इस एडिटिक ओशन में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप तो वो देखना ज़रूर, बहुत मज़ा आया था।